मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से लीडर और कोचर होने के नाते कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वे मेरे सवालों का जवाब जरूर देंगे। मेरा पहला सवाल है, 5 नवंबर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे और उस बैठक में यह फैसला लिया गया कि शराब के ठेकेदारों को नॉन कंफर्मिंग एरिया में भी शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी जा रही है। मैं सीबीआई से मांग करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के वे सभी मंत्री जो उस बैठक में उपस्थित थे, इनके खिलाफ FIR हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास या दिल्ली की कैबिनेट के पास यह अधिकार है ही नहीं कि मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके नॉन कंफर्मिंग एरिया में या रिहायशी क्षेत्रों में गली गली में शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास, दिल्ली के मंत्रिमंडल के पास यह अधिकार नहीं था। उन्होंने कानून और कायदे का उल्लंघन करके यह फैसला लिया। मास्टर प्लान 2021 नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं देता है। यदि आपको नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब की दुकान खोलनी थी, पहले मास्टर प्लान को अमेंड करना पड़ता था। तो यह जो फैसला उन्होंने लिया वह पूरी तरह से गैर कानूनी और नियमों का उल्लंघन करके लिया गया। इसलिए मैं सीबीआई से मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मेरा दूसरा उनसे सवाल है, और मैंने हाउस के अंदर भी कहा था, हाउस के बाहर भी कहा था, कि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उस पर हमने अपनी ओर से उसके समर्थन में कुछ तर्क भी दिए थे, विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी। मेरा दूसरा उनसे सवाल है कि जो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड थे, उन शराब के ठेकेदारों को शराब के ठेके क्यों दिए गए? तीसरा हमारा उनसे सवाल है कि शराब निर्माताओं को शराब की बिक्री करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है, तो शराब निर्माताओं को शराब की बिक्री करने की अनुमति किस लिए दी गई? चौथा मेरा सवाल है कि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती थी और केवल शराब के ठेकेदारों को 2% कमीशन मिलता था, उस कमीशन को बढ़ाकर 12% क्यों किया गया? मेरा अगला सवाल है, पांचवा सवाल है कि यदि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसकी जांच दिल्ली सरकार की लैब में नहीं होगी बल्कि दिल्ली के जो शराब के ठेकेदार थे उनकी लैब में उसकी टेस्टिंग होगी। शराब के ठेकेदारों को यह अधिकार क्यों दिया गया? मेरा छठा सवाल है कि दिल्ली में 21 ड्राई डेज होते थे, उनकी संख्या घटाकर 3 किस लिए की गई? मेरा सातवां सवाल है कि शराब परोसने का समय रात 11 बजे तक होता था, बगैर दिल्ली पुलिस से NOC लिए हुए उसको प्रातः 3 बजे तक उस समय सीमा को क्यों बढ़ाया गया?
मेरा आठवां सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह घोषणा की कि हम दिल्ली के लोगों को शराब पीने के तरीके भी सिखाएंगे और उसके लिए दिल्ली में 5 स्कूल खोले जाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही। नौवां मेरा सवाल है, उन्होंने दिल्ली में डांस बार की भी अनुमति दी अपनी जो नई एक्साइज पॉलिसी है। और दसवां सवाल है कि शराब के ठेके के साथ ही बैठकर लोगों को शराब पीने की अनुमति दी, इससे दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब होती, ये सवाल भी हमने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर भी उठाया था। और ये आप सभी को मालूम है कि COVID-19 के नाम पर लाइसेंस धारकों को 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई, इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। ठेकेदारों को 30 करोड़ रुपए की जो धरोहर राशि थी उसको भी वापस कर दिया गया, इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। बियर पर प्रति केस 50 रुपए की जो छूट दी गई इसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और मेरा अंतिम सवाल है कि दिल्ली में शराब की बिक्री तो बढ़ गई लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व कम हो गया। अरविंद केजरीवाल ने तो यह कहा था कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, तो वे बताएं कि राजस्व 10,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं आया, यह पैसा किसकी जेब में गया। और अंत में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये पहले इस नई शराब नीति की बहुत प्रशंसा करते थे, जब ये इतनी अच्छी शराब नीति थी तो उसको अब वापस क्यों लिया गया है,